मैं डॉक्टर पूनम पुनिया उपस्थित हूँ आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के साथ, फटी हुई एड़ियाँ। जी हाँ, फटी हुई एड़ियाँ ना केवल देखने में भद्दी लगती हैं बल्कि इनमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, कभी कभी खून भी निकल आता है, चलने फिरने में बहुत समस्या होती है। अगर आप या आपका कोई मित्र प्यारा जन फटी हुई एड़ियों से परेशान है तो आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या कारण है फटी हुई एड़ियों के, क्या घरेलू उपचार है, क्या आयुर्वेदिक उपचार है, कुछ क्रीम्स हैं जो इनके लिए अच्छी हैं वो भी आज हम बनाना सीखेंगे। ये पूरी जानकारियाँ हम लेंगे। हम और भी आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस बनाते हैं। नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप उनको देख पाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं एड़ियाँ क्यों फटती हैं। देखा जाता है अमूमन 25-30 साल की उम्र के बाद एड़ियाँ फटनी शुरू होती हैं। उस समय शरीर में रूखापन बढ़ना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस बढ़नी शुरू हो जाती है, एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों की एड़ियाँ सर्दी में फटती हैं, मैक्सिमम सर्दी में ही फटती हैं, कुछ लोगों की साल भर समस्या बनी रहती है। तो क्या कारण है सबसे बड़ा कि यह फटती हैं? सबसे बड़ा कारण होता है पॉल्यूशन। जी हाँ, अगर आप धुआँ, धूल, मिट्टी, डस्ट से ज़्यादा आपकी एक्सपोजर होता है एड़ियों का तो जल्दी फट जाती हैं। दूसरा कारण जो होता है शरीर में रूखापन होना। जी हाँ, अगर आपके शरीर में ड्राइनेस ज़्यादा है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो भी देखा जाता है एड़ियाँ ज़्यादा फटती हैं। जो लोग ज़्यादा नंगे पांव चलते हैं, ज़्यादा जिनका चलने फिरने का काम है या ज़्यादा खड़े होने की जिनकी जॉब है, उनमें भी देखा जाता है एड़ियाँ जल्दी फटती हैं। अगर आपके शरीर का वज़न ज़्यादा है, पूरा वज़न एड़ियों ने उठाना होता है तो उस हालत में भी जल्दी एड़ियाँ फट जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्किन की डिजीज़ है, जैसे कि सोरियासिस की कंडीशन है या एक्जिमा है, ऐसे लोगों में भी देखा जाता है कि एड़ियाँ फट जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का शुगर की दिक्कत रहती है, शुगर ज़्यादा रहती है, डायबिटिक हैं आप, उन लोगों में भी देखा जाता है एड़ियाँ फट जाती हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, ऐसे में एड़ियाँ जल्दी फटती हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमारी बॉडी में इतने अंग हैं, उनमें से एड़ियाँ ही क्यों सबसे पहले फटती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एड़ियों में किसी प्रकार की ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती। मोस्टली बॉडी पार्ट्स में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, एड़ियों में ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती, इसलिए मॉइस्चर नहीं ठीक से मिल पाता, इसलिए एड़ियां जल्दी फटती हैं। बाकी डस्ट पोल्यूशन से भी सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होती हैं, इसलिए जल्दी फटती हैं। पूरी बॉडी का वेट इन पर होता है, ये भी कारण है कि एड़ियां जल्दी फटती हैं। अगर आपकी एड़ियाँ बार बार फटती हैं या आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? मॉइस्चराइजेशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर आपको हाइड्रेटेड रखना चाहिए बॉडी को, पूरा पानी पिए, दिन भर 10-12 लीटर हमें पानी के ज़रूर पीने चाहिए ताकि मॉइस्चर बना रहे। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, आप कुछ टिप्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। थोड़े से पानी में सेंधा नमक डाल लें, गुनगुने पानी में 10-15 मिनट तक उनमें पैर डबो कर रखें। उसके बाद थोड़ा सा आप सिरका भी डाल लें अगर पानी में सेंधे नमक के साथ, अच्छा रहता है क्योंकि वो डेड सेल्स को निकाल देता है। सिरका डाले हुए पानी में और सेंधे नमक वाले पानी में आप 10-15 मिनट के लिए पाँव को डबो कर रखें। उसके बाद आप हल्की सी 10 मिनट के बाद स्क्रबिंग कर सकते हैं डेड सेल्स को, हल्के स्क्रब से आप या फिर हल्के हाथ से आप निकाल सकते हैं। ज़्यादा डीप स्क्रबिंग नहीं करनी, कई लोग बड़े बड़े स्क्रब्स अच्छे मोटे वाले यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप अगर स्क्रबिंग कर दी जाती है तो जो पैरों के डेड सेल्स होते हैं वो ज़्यादा डीप तक निकल जाते हैं, जिससे इरिटेट होके स्किन और ज़्यादा कई बार दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए हल्के हाथ से या बहुत ही सॉफ्ट जो स्क्रब्स आते हैं उनसे हमें स्किन को निकालना है। उसके बाद हमें सॉफ्ट टॉवल से अपने पैरों को साफ कर लेना है। फिर उसके बाद हमें जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, मैं आगे वीडियो में बताऊँगी, वो हमें अप्लाई करनी है। और उसके बाद हमें सॉफ्ट जो सॉक्स होती हैं, कॉटन सॉक्स, वो पहन लेनी चाहिए। कई लोग कहते हैं वुलन सॉक्स पहन लो, ज़्यादा समय तक गर्मी रहेगी और जो क्रैक्स हैं जल्दी हील होंगी, क्या यह ठीक है?
कई लोगों को वुलन सॉक्स की वुल से एलर्जी हो जाती है, जिससे कि क्रैक्ड हील्स की समस्या और ज़्यादा इरिटेशन के कारण बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा सूती सॉक्स या सूती कपड़े का ही आप प्रयोग करें। कोई भी आप मॉइस्चराइजेशन लगाने के बाद सूती जो सॉक्स पहनें, और ज़्यादा अगर हो सके तो आप जूते भी डाल सकते हैं। ज़्यादा टाइट जूते भी नहीं हमें डालने चाहिए, क्योंकि उससे भी पैर जो है कई बार नैरो होने के कारण एड़ियों के दर्द की जो समस्या है बढ़ सकती है। आप मॉइस्चराइजेशन के लिए ग्लिसरीन या गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जो कि हम एड़ियाँ फटने में यूज कर सकते हैं। घरेलू उपाय में हमें लेना है एलोवेरा, नीम, हल्दी और चौथा अमलतास। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अमलतास स्किन के लिए बहुत अच्छा है। नहीं मिले तो आप तीन चीज़ों का इस्तेमाल करें, नीम, अमलतास और हल्दी। इनका हमें पेस्ट बनाकर अप्लाई करना है हमारी एड़ियों पर। नीम के पत्ते लेने हैं, एलोवेरा अगर ताज़ा मिल जाए तो ठीक है, नहीं जेल भी लिया जा सकता है इसका, और हल्दी का पाउडर लेना है। तो नीम के पत्तों को हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं, इससे नीम का पेस्ट हमारे पास बन जाएगा। हल्दी है, एलोवेरा का हम कट करके अगर फ्रेश है तो उसका जेल बना लेते हैं। फिर ये पेस्ट रात को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद एक डेढ़ घंटे बाद गुनगुने पानी से वॉश कर लेते हैं, और कोई भी मॉइस्चराइजेशन के लिए हम लगा कर, और फिर इसको कॉटन सॉक्स पहनकर सो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि 5-7 दिन के प्रयोग से ही जो हमारी क्रैक्ड हील्स हैं काफ़ी हद तक इससे हील हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरा जो हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, इसमें हमें सरसों के तेल के अंदर शुद्ध मोम का प्रयोग करना है, और साथ में अगर पूजा वाला कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सरसों के तेल के अंदर हम कपूर को डबो के रख देते हैं कुछ समय के बाद, फिर हल्की मंद आंच पे हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद देखते हैं कुछ समय बाद यह ठंडा हो जाता है, तो बहुत अच्छा हमारे पास क्रीम तैयार हो जाती है, बहुत अच्छी मॉइस्चराइजेशन देती है। तो आप पेस्ट अप्लाई करने के बाद, नीम वाला पेस्ट अप्लाई करने के बाद, ये मॉइस्चराइजेशन के लिए ये मोम वाला या जो सरसों के तेल और मोम वाला ये हमारा फॉर्मुलेशन तैयार हुआ है, अगर लगाते हैं बहुत जल्दी एड़ियों की हीलिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिनको कई बार देखते हैं फिशर्स बन जाते हैं एड़ियों में और साथ में ब्लीडिंग आ रही होती है, ऐसे लोग सरसों के तेल थोड़ा गर्म होता है, इसलिए उसकी बजाय नारियल के तेल का इस्तेमाल करें, ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक उपचार की। आयुर्वेदिक उपचार में हम जात्यादि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जात्यादि तेल एक बहुत अच्छा वुंड हीलर होता है, फटी एड़ियों को बहुत अच्छे से यह हीलिंग कर देता है। हमें जात्यादि तेल के साथ गंधक और गेरू का भी इस्तेमाल करें। शुद्ध गंधक, शुद्ध गेरू आपको पंसारी से मिल जाएंगे। शुद्ध गंधक येलो कलर का रहता है, गेरू रेड कलर में रहता है। इसको हम जात्यादि तेल में थोड़ा सा पका लेते हैं, और फिर वो जो पेस्ट बन जाता है एड़ी के चारों तरफ हम लगाते हैं, फटी हुई एड़ियों पर लगाते हैं, 2-3 घंटे के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से हम वॉश करके हमारी जो मोम वाली सरसों के तेल, मोम वाली मॉइस्चराइजेशन क्रीम है, अगर हम अप्लाई करते हैं बहुत जल्द लाभ होता है। अदरवाइज जात्यादि तेल में खुद भी मॉइस्चराइजेशन काफ़ी है, अकेला हम जात्यादि तेल गंधक गेरू का इस्तेमाल करेंगे उससे भी काफ़ी लाभ हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मरीजों में साथ में ब्लीडिंग हो रही होती है, उसमें साथ में हम नागकेसर चूर्ण और लाल चंदन भी मिक्स करवा देते हैं, तो बहुत अच्छा यह हमारे पास मॉइस्चराइजेशन के लिए भी और साथ में जो ब्लीडिंग को रोकने वाला भी ये फॉर्मुलेशन तैयार हो जाता है। जिनकी क्रैक्ड हील के अंदर बहुत ज़्यादा डीप तक समस्या आ गई है, उसमें हम इसका प्रयोग करें, काफ़ी फ़ायदा होता है। तो एक्जिमा के पेशेंट्स भी हमने इससे ऐसे ठीक किए हैं जिनमें साथ में डायबिटीज़ की समस्या थी, 10-15 दिन के ट्रीटमेंट में उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इनका अगर आप आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों का आप अभ्यास करेंगे, डेफिनेटली आपकी जो एड़ियों के फटने की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी समस्या रहती है, आप अपने चिकित्सक से, अपने स्वास्थ्य केंद्र से सलाह ले सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर करें। किसी के मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट
कमेंट करके पूछ सकते हैं। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। धन्यवाद।